नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सेवा ही संगठन के सूत्र को ही सेतु बनाकर पार्टी जनता से जुड़ाव मजबूत करना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कोर कमेटी के साथ बैठक की। अभियानों की समीक्षा सहित सरकार और संगठन के साझा रोड मैप पर मंथन किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह सोमवार सुबह राजधानी पहुंचे। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ कुछ देर चर्चा के बाद चारों वरिष्ठ पदाधिकारियों शिष्टाचार भेंट के लिए निराला नगर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय सरस्वती कुंज पहुंचे। यहां संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल सहित कुछ पदाधिकारियों से चर्चा भी की। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सेहरामऊ पुलिस द्वारा 1 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले इन 4 तस्करों से पुलिस गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध जो निरंतर कार्रवाई चल रही है, इसी क्रम में थाना सेहरामऊ दक्षिणी को एक सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम रविकांत, कमलेश, पारस और प्रमोद। इनके कब्जे से कुल मिलाकर 236 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और इससे इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं उनको एस्टैब्लिश करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सेहरामऊ दक्षिणी में अभियोग सुसंगत धारा में पंजीकृत। वही फादर डे पर कौशाम्बी जिले में बेटों ने ही पिता को कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। रिटायर्ड रेलवे कर्मी की हत्या से नाराज लोगों ने आरोपित के घर पर जमकर बवाल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर लोगों को शांत किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आज अभी एक सूचना आई कि मंजनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में एक वैजनाथ पाल जी हैं, रेलवे से सेवान्वित कर्मचारी थे, उनके बच्चों ने उन्हें पैसे के बंटवारे को लेकर मारकर हत्या कर दी है। और इस पर तत्काल सूचना हम लोग पहुंचे मौके पर, जिन लोगों ने मारा है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और बाकी वहीं जालौन उरई जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से नाबालिग बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, जिस पर मृतका के पिता का ये कहना है कि तबीयत खराब होने पर वो अपनी बेटी को जिला अस्पताल में दिखाने के लिए लाए थे, पर सही इलाज ना होने के कारण उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। परिजनों द्वारा हंगामे की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, साथ ही परिजनों को आश्वासन दिया कि परिजन द्वारा प्रार्थना पत्र दिया तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ये घटना हुई है, सर पसार लेके आया, बिटिया पलटी दस्त कर रही थी, हम 2:30 बजे 3 बजे यहाँ आ गए तो इन्हें डॉक्टर ने देखा कि लटा दिया, भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद इन्हें इंजेक्शन लगाया साहब, इंजेक्शन लगा के बाद छोटी बड़ी बोतल लगाई, कहते आधी 200 ml तक की हो जाए तो बंद कर देना। हमने बंद करी, फिर डॉक्टर को बताया कि भैया वो खत्म हो, इन्हें छोटी बोतल लगाई, छोटा बोटी लगाने के बाद इन्हें 4 गोली दी हमें। जब वो तक 4 गोली दी, 4 गोली के बाद इन्हें बाहर कर दिया, जाओ तुम्हारी बिटिया सही होगी, ले जाओ घर। तो हमारा मन नहीं माना, इन्हें निकाल दिया, हम बाहर बैठे रहे साहब। साहब बाहर बैठे बैठे फिर हमारी बिटिया आँख फेरने लगी, हम दोबारा फिर आगे बीच कर तुम फिर। वहीं बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला कारागार सोनभद्र में जिला अधीक्षक मिजाजी लाल और जेलर अनिल कुमार सुधाकर के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल द्वारा जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से कोरोना वायरस बचाव में योग की बहुत ही अहम भूमिका रही है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने कहा कि योग से किसी भी प्रकार की पुरानी से पुरानी बीमारी को समाप्त किया जा सकता है। जेल अधीक्षक के साथ बंदी और गर्मी भी
योगाभ्यास में शामिल हो गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शाहजहांपुर में भी मेडिकल कॉलेज में बने आयुष विभाग के योग वेलेंसल सेंटर में योग कार्यक्रम का ऑनलाइन संचालन किया गया। आयुष विंग के योग प्रशिक्षक अभिनव शुक्ला ने मानव जीवन में योग के महत्व को समझाते हुए योगा करवाया और उन्होंने बताया कि हम सभी निरोगी हों इसके लिए योग को अपनी दैनिक क्रिया में शामिल करना चाहिए। वहीं लगभग एक घंटे चले इस कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक अभिनव शुक्ला ने अनेक प्रकार के योगासन करते हुए बताया कि योग के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को भी बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं और जब हमारी इम्यूनिटी पावरफुल होगी तो कोरोना हमें छू भी नहीं सकता। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने दलित के घर पर हमला कर घर की दीवार एवं छप्पर आदि को धराशायी कर दिया, जिस पर पीड़ित का यह कहना है कि उसकी पत्नी पिछले पंचवर्षीय योजना में प्रधान रही है, तब भी आरोपियों ने उस पर और उसके घर पर हमला किया था। उस समय घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित ने घटना को लेकर जिले के डीएम व एसपी तथा एसडीएम एवं सीओ को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं घटना के बाद से दलित परिवार दहशत में है, तो वहीं इस घटना पर सीओ का यह कहना है कि घटना की जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के बुलंदशहर में वृद्ध आश्रम की शुरुआत की गई है, जो शहर का अभी तक का सबसे पहला और इकलौता वृद्ध आश्रम है, जहां पर किसी वजह से घर से बेघर हुए गरीब व बेसहारा वृद्धों को ठहरने से लेकर भोजन तक की सुविधाएं प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि आश्रम लगभग 3 सालों से चल रहा है और यहां पर बहुत लोगों की सेवा ट्रस्ट द्वारा की जा चुकी है, तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्या के लिए डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर समय समय पर देखने के लिए आती रहती है। दवाइयों से लेकर रहने व खाने तक की सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा चुकी है। वहीं आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की धार्मिक आस्था के लिए समय समय पर हवन व कीर्तन भी ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वृद्धों के लिए भोजन व्यवस्था रहती है पूरी और उनको बाथरूम वगैरह सब उपलब्ध हैं और सफाई धुलाई का सारा इंतजाम होता है और समय समय पर कपड़े वगैरह भी इनको मुहैया कराए जाते हैं। कितने दिनों से लगभग ये चल रहा है? तो चलते हुए करीब 2 साल हो गए। बेसिकली जो आश्रम बना है मोहनकुटी न्यास, ये 15 जुलाई 2013 से बना और इस वृद्धाश्रम की शुरुआत अप्रैल 2017 में हुई। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या सुविधा हैं और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं? यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिसको समाज में अपने घर पर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है उसको निःशुल्क रहने की व्यवस्था है और सुबह चाय नाश्ता खाना पीना सारी व्यवस्था। वहीं बुलंदशहर में ककोड़ थाना क्षेत्र में पति पत्नी में विवाद की सूचना पर पहुंचे हेड कांस्टेबल पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला ने अपनी सास पर साजिश के तहत आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी सास और पति ने हेड कांस्टेबल के साथ मिलकर मेरा रेप कराया है। वहीं पीड़ित महिला ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। जब पूरा मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचा तो अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराई और जांच में पीड़िता ने आरोपी हेड कांस्टेबल की एक ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराई है। जब ऑडियो को अधिकारियों ने सुना तो ऑडियो में आरोपी हेड कांस्टेबल अमरादित्त भाषा का उपयोग और पीड़ित पर यौन संबंधित बनाने का दबाव बनाते हुए सुनाई दे रहा। आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारियों की शुरुआती जांच में हेड कांस्टेबल पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल और पीड़िता की सास को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक 19/6/21 को कस्बा ककोड़ में एक महिला के द्वारा जो शादीशुदा है अपने पति और सास तथा अपनी सौतन के साथ पुलिस के हेड कांस्टेबल के संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें इनके द्वारा रेप करने और अन्य उसके परिवारजनों द्वारा सहयोग करने की बात लिखी गई थी। प्रकरण की गहनतापूर्वक प्राथमिक जांच तत्काल सूचना प्राप्त होते ही कराई गई। एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद ने जांच करके पाया
कि रात के समय लगभग 11 बजे वो हेड कांस्टेबल पद पत्नी के उस विवाद में उनके यहाँ गया था। ये जो महिला है, पीड़िता है, इसकी शादी जिस व्यक्ति से हुई है, मुस्लिम तालिब नाम है उसका, और तालिब की ये दूसरी पत्नी है। पिछले 3-4 सालों से दोनों के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। रुक करते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में युवक के गले पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। मोटरसाइकिल की चाबी निकालने के शक में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। युवक की हालत गंभीर देख उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। मामला यह है सर जी, दोनों हलीम खा रहे थे। हलीम खाने के बाद में ये इन्हें चाबी कहीं गाड़ी में लगा करके छोड़ आया। इल्जाम मेरे लड़के का लगा रहा, एक सद्दाम नाम का लड़का, एक लड़का और है, वो तीनों ये चले गए। गाड़ी इनकी घर पे है। अब ये सबने बोला कि यहाँ गाड़ी लेके जिसान तू आया नहीं है, खा मका इस लड़के पे इल्जाम मत डालो। ये जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे घर पे भी आके 2 बार आ गए। हमला हमारे किस चीज से हमला किया है? छुरी से। अच्छा, तो आप वहीं बस्ती जिले में बीते कुछ दिनों से लुटेरों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। लगातार लुटेरे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन लुटेरों के द्वारा हाल ही में एक टीचर से 33,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हाल ही में कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ेबन चौकी के पास लूट की घटना हुई थी, जिसका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर सकी है। थाना परशुरामपुर में 3 जून को एक बैंक से वृद्ध जब जा रहे थे तो उनसे लोगों ने लूट करी थी, उनके 33,000 रुपये छीन लिए थे। इस संबंध में एक अभियोग थाना परशुरामपुर पर पंजीकृत था, जिसमें हमारी टीमें इन अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई थी। कल रात्रि में इसी क्रम में उन बदमाशों के साथ हमारी टीमों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश श्याम बाबू के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है, वो खतरे से बाहर है। हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। इन लोगों के कब्जे से 2 तमंचे, एक मोटरसाइकिल और करीब 17,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें से एक अपराधी जिसको गोली लगी है श्याम बाबू, उसके ऊपर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरा अपराधी जिसका साथी इसको गिरफ्तार किया गया है, ललन उर्फ बुल्लन, उसके ऊपर करीब 0.5 दर्जन मुकदमे हैं। इन सभी के बारे में अन्य जानकारी भी की जा रही है, इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।